तो ये विविधता पूरे के पूरे पूरे हिमालय में तकरीबन 600 से ज्यादा भाषाएं हैं। जिस दिन भूटान वाले और नेपाल वाले अपना पूरा सर्वे कर देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएंगे। और जो हमारा गणेश देवी जी के नेतृत्व में किया गया PLSI का है, उसमें भी 250 से ज्यादा हमारी हिमालय की भाषाएं हैं। और बहुत सारी भाषाएं न पकड़ पाने में, उनको सामने न ला पाने में हम एक तरीके से नाकामयाब रहे। और अगला सर्वे होगा तो नए बच्चे और ज्यादा भाषाओं को लाएंगे, उसकी उस विरासत को लाएंगे जिसको हम फोकलोर कहते हैं, जिसको हम बैलेट्स कहते हैं, जिसको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, और जिसको कोई भी और एस्पेक्ट कहते हैं। कभी कभी भाषा शब्दों में नहीं होती, कभी कभी भाषा चित्र में होती है, और कभी कभी भाषा पुरातत्व में होती है, कभी कभी भाषा जिसको कहेंगे कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में भी होती है। हमें सिर्फ पढ़ने वाली आंख चाहिए और संवेदनशील दिमाग चाहिए जो फिर उस देखे हुए को कोई शब्द दे सके जिसको आप नॉर्मली छोटा करके भाषा मान लेते। तो ये सब चीजें अभी आनी है जो हिमालय के संदर्भ में नहीं आई। लोक देवताओं का मैंने जिक्र किया है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ चले जाइए आप, आपको कॉमन कल्चरल हेरिटेज साझा सांस्कृतिक विरासत के इलाके में आज भी आप देखिए कि अमरनाथ की पूरी यात्रा, उसको खोजने वाले ही एक इस्लाम धर्मावलंबी था, लेकिन उसकी रुचि इस्लाम में भी उतनी नहीं थी और शिवजी में भी नहीं थी। उसने एक वायरलनेस में एक शिवलिंग देखा और बताया और उसको पूजने के लिए लोग आए, क्योंकि शिव सबसे प्रभावशाली थे उस जमाने में, तो शिव जी का अधिकार एक तरीके से हो गया। कोई और देवता उसमें प्रभावशाली होता तो शायद उसका उसमें अधिकार नहीं। वो पूरी यात्रा इस्लाम धर्मावलंबी लोग करते हैं, जो अमरनाथ की यात्रा, कैलाश मानसर की यात्रा बुद्धिस्ट लोग कराते हैं, जिसमें हिंदू जाते हैं, जैन जाते हैं, बुद्धिस्ट जाते हैं, इवन आपके नानक गुरु नानक वहां गए थे तो बहुत सारे सिख भी वहां की यात्रा करते। आप देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में तीन बड़े सिखों के तीर्थ हैं, हेमकुंड साहब है, उसके बाद रीठा साहब है, और उसके नीचे नानक मत्ता है। आपको आश्चर्य होगा कि रीठा साहब और हेमकुंड साहब के जो सेवादार थे वो हमारे पहाड़ी लोग थे, जिन्होंने प्रारंभिक गुरुद्वारे का निर्माण किया, उसको स्थापित किया, उसको आगे बढ़ाया, और जब भी आप एब्सेंट होते थे उस समय वो पूरा का पूरा काम उसका करते थे। वो सब गैर सिख धर्मावलंबी थे, लेकिन सिख परंपरा को जो नई नई यहाँ आ रही थी उसको विकसित करने में उन्होंने अपने, नंदा सिंह का नाम आपने सुना कि नहीं सुना, वो फ्रैंक स्माइल के साथ उसमें फुलू की घाटी में गया था, और बाद में वो पहला सिवादार बना जिसने हेमकुंड साहिब की स्थापना में, उसको विकसित करने में, उसकी सुरक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान। ये साझा विरासत है ढूंढने में आप लगता है, ये हमारी बड़ी ताकत, ये हमारी बड़ी ताकत बन सकती है, मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से जो साहित्यिक विविधता है वो पूरे हिमालय में जबरदस्त तरीके से है। हम 2-100 साल पहले ही हम लिखित साहित्य में आए, हम लिपि में 5000 साल पहले आ गए थे, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के लिहाज से 70 साल में से 5000 साल हमको लिपि में आने में मिले, बकाया हम ओरलिटी में नहीं, श्रुति में नहीं। हिमालय के संदर्भ में मैं कहूँगा कि हम जैसे इलाके, उत्तराखंड जैसे इलाके जो इन्हीं कारणों से बौद्धिक क्षेत्र में ज्यादा थे, मेन स्ट्रीम में होने के कारण थे, या पता नहीं क्या क्या उसके कारण रहे, उन लोगों के यहाँ 200 साल पहले लिखा जाना शुरू हुआ। चाहे गुमानी का नाम लें, चाहे मोलाराम का नाम लें, उन्होंने पहला हमें लिखित साहित्य दिया, और तब से आज तक हम अगर उत्तराखंड के ही साहित्य का, लिखित साहित्य का एक तरीके से उसको जानने की कोशिश करें, इतना विविधता भरा हुआ और इतना महत्वपूर्ण साहित्य हमारे यहाँ से पैदा हुआ है। पूरे हिमालय में चले जाएंगे तो हिमालय के लोग कम से कम 300 भाषाओं में लिख रहे हैं, 300 भाषाओं में या उससे भी ज्यादा भाषाओं में उनके पत्र आ रहे हैं, उनका लिटरेचर आ रहा है। भूटान में ही हमें पता चला कि 5-7 भाषाओं में उनका साहित्य आ रहा है, उनकी पत्रकारिता। नेपाल में आप देख लीजिए हर इलाके की भाषा में पत्र हैं, उनके जर्नल्स हैं, उनके कल्चरल जर्नल्स हैं, उनके शोध जर्नल्स हैं, इतनी भाषाओं में। तो ये जो विविधता साहित्य की है, वह भाषा की विविधता के अलावा साहित्य के जो अलग अलग रूप हैं, अब नैन सिंह रावत उस जमाने में हमारी पहली डायरीज लिख रहे हैं, उन्होंने साहित्य के लिहाज से नहीं लिखा, लेकिन जो भी उन्होंने लिखा वो हिंदी की पहली एक तरीके से ट्रेवलॉग हो गया, जो बहुत कठिन भूगोल में जाकर के लिखने वाले व्यक्ति ने हमको दिया, और ये मान के नहीं दिया कि 150 साल बाद मुझे लिखने वाले के रूप में याद किया जाएगा, उन्होंने तो सिर्फ अपने सर्वे को पूरा किया, लेकिन आज हमारे लिए वो एक भाषाई अमानत है, एक ऐसी मिलीजुली भाषा जो उस जमाने में प्रचलित थी, जिसमें पर्शियन शब्दों का निषेध नहीं था, जिसमें उर्दू बहुलता थी, और जिसमें अपनी भाषा के शब्दों को भी इस्तेमाल करने की क्षमता या ये कहें कि प्रतिभा जो है नैन सिंह रावत में थी। तो ओरल और लिखित का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हम पूरे हिमालय में देखते हैं। समय कम है, मैं वहां से अगर गुमानी और मोलाराम से आता हूँ, वहां से झुसिया नवाई तक, केशव अनुरागी तक पहुंचते हैं,
तो हम देखते हैं कि ओरल परंपरा भी हमारे अपने जमाने तक पूरी की पूरी कायम रही, और लिखित परंपरा में आप देखते हैं कि हमारा साहित्य अंग्रेजी में लिखा गया हो, हिंदी में लिखा गया हो, संस्कृत में लिखा गया हो, उर्दू में लिखा गया हो, और हिमालय की तमाम भाषाओं में लिखा गया हो, वह सबका सब दुनिया के सामने आया हुआ है और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा और एक तरीके से प्रभावशालीता दिखाई देती है। जरा सी मैं आगे अंत की ओर बढ़ने की ओर जाता हूँ तो देवताओं में भी आप विविधता देखेंगे कि आज भी हमारे यहाँ घुमंतु देवता आपको दिखाई देते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि मनुष्य घुमंतु है। अगर मनुष्य नोमेडिज्म और पेस्टोरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका देवता अकेला नहीं रहता है। वैसे तो बारूमासी सड़क बना रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि नेशनल हाईवे बन रहे हैं, हर अंतिम स्तर तक की जो खाटी है वो रौंदी जाने वाली है, पेड़ कटने वाले हैं, पूरा मलबा नदी में डालने वाले हैं और आपकी ऑल वेदर रोड वहां पर बन जाएंगी। लेकिन आखिर हमारे पूर्वज इतने धूर्त और मूर्ख तो नहीं थे कि उन्होंने एक परिपाटी बनाई थी। झाड़ू में बद्रीनाथ जी अकेले नहीं रह सकते, जोशीमठ आ जाते हैं। झाड़ू में आपको बताया कि केदारनाथ जी उखीमठ आ जाते हैं। झाड़ू में आपको बताया कि गंगा माता की डोली जो है मुखवा आ जाती है। झाड़ू में आपको बताया कि जमुना माता की जो डोली है वो खरसाली आ जाती है। क्यों आती आखिर? इसलिए कि चार महीने पांच महीने हार हिमालय को रेस्ट देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बर्फ ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा परमाफ्रॉस्ट बनाए, ज्यादा से ज्यादा आइस बनाए, ताकि हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज को कभी कभी फोर्स भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर लोग फोर्स से किया गया चीज मानने को तैयार नहीं होते हैं, एक दो पीढ़ी में वो डिजॉल्व हो जाता है। चकमा लोग बांग्लादेश के बौद्ध है, वहां बांध बना तो उनको भागना पड़ा, और भागेंगे कहां को? समंदर की ओर भाग नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज में अगर समंदर का तल बढ़ जाएगा तो लोग सब भाग के हमारे बंगाल में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। बांग्लादेश वॉर के समय सिर्फ 1 लाख लोग आए थे, अब करोड़ों लोग आए। अगर मान लिया ये इकोलॉजिकल इस तरीके का चेंज होता है तो समंदर अगर भीतर आ रहा है, समंदर की ऊंचाई बढ़ रही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उस स्थल में आएंगे और उसी स्थल की ओर आएंगे जो पहले अविभाजित था और जहाँ साधा विरासतें एक तरीके से वो करती थी। चकमा लोग भी ऐसे ही गए और चकमा लोगों को अभी देशी मान लिया गया है, वो बांग्लादेश के बुद्धिस्ट है और वो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के समाजों में अपने को डिजर्व कर रहे हैं, और एक तरीके से हो सकता है कि धीरे से वो अपनी आइडेंटिटी भी खो दें। वो भी एक हमारी हिमालय की सांस्कृतिक विविधता का एक तरीके से नमूना उसको कहा जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बहु सांस्कृतिकता के क्षेत्र हैं वह हमारे लिए आज भी बहुत रिमार्केबल बने हुए हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो। जैसे आप थोड़ी देर के लिए परशुराम को ले लीजिए, परशुराम की माँ को ले लीजिए, हिमाचल में उसकी कहानी शुरू होती है, कोई नदी कोई ताल उसके साथ होता है, कहीं पर मंदिर बन जाता है, वहां से लेके एकदम आप लोहित के जलागम में चले जाइए तो परशुराम कुंड वहां तक बना हुआ है। हो सकता है कि ये देर से ले गए, हिंदू धर्म के बहुत सारे प्रचारक पॉजिटिव प्रचारक उनको एक जमाने में ले गए हों और जो अनाम है उनको उनको अपना बना लो की कोशिश की होगी, लेकिन ये विरासत भी बहुत जबरदस्त विवरण तरीके से वहां गई। और परशुराम कुंड होने के बावजूद भी उसके चारों ओर जनजातीय कबीले बने रहे। आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जनजाति और लिंग्विस्टिक विविधता अगर है वो अरुणाचल प्रदेश में, बायोडायवर्सिटी के लिहाज से भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा विविध अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि अभी तक बड़ी सीमा तक बाहर के इंक्रूटमेंट से वो बचा हुआ है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता हूँ, मैं सबसे अंत में कहना चाहता हूँ जो भोजन की पद्धति का जिक्र किया, हिमालय में भोजन पद्धति की विविधता आप देखेंगे तो आप रणी जाएंगे। आप यहाँ काला कुत्ता पाल रहे हैं और नागालैंड में वो सबसे बेहतरीन खाना माना जाता है। अल्मोड़े में जब हम पढ़ते थे, गोरखा राइफल वहां रहती थी, पता चला कि अल्मोड़े के ज्यादातर कुत्ते गुम हो गए और काले तो रिपोर्टली गुम हो गए, उनका फूड सिस्टम है वो। जब बहुत सारे भगोड़े ब्राह्मण आए होंगे उत्तराखंड में, वो भी सूत्र लेके आ गए, उत्तरे मांस भक्षण दक्षिणे मातुले कन्या उत्तरे मांस भक्षण, अधिकांश लोग खाते। मैं तिब्बत में एक बार था तो याक का मांस मेरी भात में आ गया, मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि खाना पड़ता है, पहले भेड़ काटते हैं बकरी काटते हैं, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर हम उसमें भी जाते हैं, याक में भी जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में मिथुन में भी जाते हैं, जाना पड़ता है कहते हैं, क्योंकि हमारे सिम्बायोसिस है, हमारा सह अस्तित्व है, हमको भी रहना है। तो खाने की विविधता आप देखिए, पूरे हिमालय में आप मसाले की विविधता देखिए, पूरे हिमालय में आप कपड़ों को पहनने की विविधता देखिए, नृत्यों की विविधता देखिए, गोल चक्कर में नृत्य होता है, लेकिन अगर आपके पास आंगन नहीं है और हायर हिमालय में आप हैं, नीचे कांठा है कबाड़ है गिर सकते हैं, तो आप दो आर्क बना लेंगे, दो क्रिसेंट मून बना लेंगे और उसी से आप गोला निर्मित कर लेंगे।
और उसी में अपना जो गोल नृत्य है वो दो अर्धगोलों में उस नृत्य को नृत्यों की वैरायटी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से खानों की वैरायटी, मसालों की वैरायटी, कपड़ों की वैरायटी, आप वर्नाकुलर आर्किटेक्चर में चले जाएंगे। हम जिस जगह पर हैं इसके बगल में जौनसार है, उसके उत्तर में जौनपुर है, उसके उस तरफ को जो है रवाई है, उत्तरकाशी जिला है, उसके पहली तरफ महासू जिला है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर वाइस परमार साहब ने अपनी मशहूर की। हमारे अपने यहाँ का उदाहरण दीजिए, जो हमारा जौनसार भावर है और जो हमारा जौनपुर है और जो एक रवाई है, ये एक कल्चर एरिया का रवाई था, वो अभी तक अभिशप्त रही है। और नए राज्य ने भी उनको हैसियत दी तो ओबीसी की हैसियत। आप समझ रहे हो कितनी कम हम अपने समाजों को जानते हैं, उसकी विविधता को जानते हैं, उसके खान पान को जानते हैं, उसके मकानों की कला को जानते हैं, उसके लोक नृत्यों को, गीतों को और बहुत सारी। आप हिमालय की टोपियां ही ले लीजिए, अब तो ये फैशन चल गया और सरकार भी कोई टोपी सुना बनाने लग गई है, लेकिन टोपियां सरकारें नहीं बनाती, टोपियां समाज से आती और उसके जो उत्पाद है, उसके जो रिसोर्सेज है उससे आते। देहरादून में तो ऊन होता नहीं, यहाँ आप क्या बनाएंगे ऊन? तो आपने तो जो बगीचे थे वो भी खत्म कर दिए हैं, कपास यहाँ होता ही नहीं, तो टोपियाँ वहीं बनेंगी जहाँ उनके आधार संसाधन हो, वो ऊन हो, वो कॉटन हो, वो कोई और रस्सी हो, वो भांग की रस्सी हो या कोई और रस्सी हो सकती है। तो ये आप वस्त्रों की विविधता जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं। भूटान जैसे छोटे से देश ने अपनी विविधता को बचाया है, उसने वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को बचाया है, उसने अपने पहनावे को बचाया है, अपने खान पान को बचाया है। और हमारे हिमालय में चारों ओर से ऐसा इंक्रूटमेंट है कि आप बागेश्वर जाने लगे हैं गणेश उत्सव मनाने के लिए। अरे भाई, गणेश को तो हमने दरवाजे पर रखा हुआ है, उसके उत्सव मनाने की क्या जरूरत है? उत्सव मनाए वहां महाराष्ट्र वाले। आप यहाँ गणेश की पूजा करते हो, खुली का गणेश आपका गीत गाया जाता है, लेकिन नहीं, आप मोनोकल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक खास तरीके की जीवन पद्धति उन्मुक्त लोगों पर थोपना चाहते हैं जो उसके लिए तैयार है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में आप खाने में देखिए, आप कपड़ों में देखिए, इस तरीके का विस्तार देख सकते हैं। मैं इसको अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी नहीं कर सकी उसको नई पीढ़ी को करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटी के साथ, बहुत ज्यादा तार्किकता के साथ, बहुत गहरे विचार के साथ। हमें अपने पूरे भारत देश की जो साउथ एशिया की संस्कृति है, अंत में जो मनुष्य की संस्कृति, दरअसल जब हम एक बेहतरीन तरीके से संस्कृति के अन्वेषण की बात करते हैं तो हम पहाड़ी या बकाया देश के लोगों की या हिंदू या मुसलमान की संस्कृति में छोड़ते हैं, हम एक तरीके से मनुष्य की संस्कृति में छोड़ते हैं। अगर ये मन में लक्ष्य रहेगा कि हम मनुष्य की होमोसेपियंस की पूरी विकास यात्रा को ढूंढ रहे हैं और एक खास भूगोल में ढूंढ रहे हैं, वो हिमालय है, फिर वो इंडिया हो जाता है, फिर वो साउथ एशिया हो जाता है, फिर वो एशिया हो जाता है, फिर वो पूरी दुनिया हो जाती है, तो हम ज्यादा तार्किक हो सकते हैं। और जो आज जबरदस्त तरीके से हम लोगों को हमारी मर्जी के खिलाफ और सच्चाई के खिलाफ किसी खास दिशा में मोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं, उसको हमारे सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतिकार ही होगा। आपके धैर्य की मैं दाद देता हूँ।